अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर है। दूसरी वीडियो है हमारी। हां जी, मेरे हाल से इतने टाइम तो आज दूसरी वीडियो। हां, कैचअप के बाद दूसरी वीडियो है। तो हाजिर है आपकी खिदमत में हमारे साथ सोना सा प्यारा सा पप्पू सा मुंडा मौजूद है। भाई जी तारीफ तारीफ यार, बाकी सब ठीक है, पप्पू कहना तुम्हारा जरूरी है। आप हैं ना पप्पू है ना, पे फंस जाता है इसलिए पप्पू पप्पू हो जाता है। क्या करूं अस्सलाम वालेकुम गाइस। और वो इसके लिए सोना सब कमेंट कर दे इसके सलाम के लिए। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, सब ठीक है, हैरियत से हैं। अच्छा चलते हैं, मेरे ख्याल से बातें बाद में करते हैं। वीडियो की जानिब, कौन सी वीडियो है, किसकी डिमांड है ये? यह डिमांड है गैरी रात को ही है, ठीक है, उनकी इसकी वीडियो ने डिमांड की है। 2020 TVS 85 RR 310 BS6 वेरियंट, मतलब कि जो ने वो कैटलेटिक कन्वर्टर के साथ जो होते थे ना बाइक के, इको यूरो 4 5 6। हाँ बाइक पे ही है और कोई मतलब कि लेटेस्ट है, लेकिन 2020 मॉडल है, ठीक है। तो बगैर आप लोगों को टाइम जाके देखते हैं क्या है इसमें। सो हैवी गो दोस्तों, आपकी ऑल न्यू 2020 TVS Apache RR 310 BS6 वेरिएंट। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए। वीडियो अच्छी है तो करें नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइट्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार सी ऑफरिंग है ये TVS की तरफ से। जो लोग भी एक स्पोर्ट बाइक लेने के बारे में प्लान कर रहे थे तो डेफिनेटली इसको चेकआउट करिए। ये नया मॉडल है, BS6 वेरिएंट है RR 310 का, जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसका जल्दी से वॉक अराउंड लाने के लिए, तो आज वो आप देखने वाले हैं आगे वीडियो में। इसके अलावा आप अगर TVS किसी और बाइक का भी डिटेल वॉक अराउंड देखना चाहते हो तो TVS की प्लेस जरूर विजिट कर लीजिए। बहुत सारी बाइक्स आपको इनकी ऑलरेडी रिव्यूड मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा कंपनी का लिंक, वहाँ जाके आप इसके बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। पहले से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो और भी ज़्यादा शानदार लगने लगी है ये RR। अब इसका जो क्लोज व्यू है वो आपको पहले मैं दे देता हूँ नीचे तक हमेशा की तरह, फिर चलते हैं पास में। इधर पूरा जो व्यू है वो आप ले सकते हो, बाई LED टेक्नोलॉजी पे आपको इसके हेडलैम्प्स प्रोवाइड करे गए हैं। पूरा व्यू है वो आप ले सकते हैं, शानदार फिट एंड फिनिश आपको इधर प्रोवाइड करी गई है। ग्राफिक इंसर्ट भी आप इधर देख सकते हो। इसके अलावा जो ब्रांडिंग है TVS की वो आप इधर चेकआउट कर लीजिए, सब कुछ आपको स्टिकर फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है। अपर का पूरा अच्छे से पूरा व्यू मिल गया होगा आपको, अपर पार्ट का पूरा अच्छे से व्यू मिल गया होगा। अब इसका जो व्हील एरिया है वो आपको चेक करा देते हैं। तो इधर आपका डिस्क ब्रेक है वो आपको प्रोवाइड किया गया, ऑब्वियसली आपके जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं, ABS अवेलेबल है, जो एक इस बाइक के लिए बोलते हो अगर आप, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब इतनी हाई एंड बाइक है, इतना पैसा पे करो तो लेटेस्ट जितने भी टेक्स हैं सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो सारे आपको इधर मिलने वाले हैं। पूरा इधर आपका पियानो ब्लैक फिनिश है वो यूज़ किया गया, और इधर अपनी जो ABS की ब्रांडिंग है वो आप चेक कर सकते हो। फ्रंट अगर आप इसका फिर से देखना चाहते हैं तो मैं पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से पूरा व्यू आपको मिल जाए। फ्रंट की बात हो गई, अब इसका जो साइड प्रोफाइल है, इधर जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं वन फ्रेम व्यू दे देता हूँ आपको। इसके साइड प्रोफाइल का वन फ्रेम व्यू पूरा आप ले सकते हैं। इसके साइड प्रोफाइल का जो भी इसके स्पेक्स हैं आपको साइड्स में शॉर्ट्स में दिख रहे होंगे। इधर आप देखते हैं पूरा जो ग्राफिक वर्क है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कूल लुक दे रहा है इस बाइक को। RR 310 की ब्रांडिंग है वो आप इधर चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके टेल लैम्प्स हैं वो दिखा देते हैं, तो ये भी आपको LED पे प्रोवाइड किए गए हैं, जो आजकल लेटेस्ट है, हर चीज़ में आपको लगभग LED देखने को मिलती है। पीछे आते जाते हैं तो कंप्लीट व्यू आप लेते जाइए, मैं थोड़ा कैमरा ऊपर कर देता हूँ तो साइड प्रोफाइल कम्प्लीटली आपको दिख जाएगा। इसके बाद इधर अपना आप जो सस्पेंशन है वो देख सकते हो, रियर पीछे इसका जो रियर व्हील है वो आपको मैं उस साइड से चेक कराऊंगा। पहले जो इसकी बैक प्रोफाइल है वो आपको दिखा देते हैं, शानदार बैक फिनिश, इसके शानदार से टेल लैम्प्स, जैसे इसका पूरा फ्रंट है वैसे इसके टेल लैम्प्स हैं, बहुत ही वेल डिज़ाइंड हैं, LED में पूरे प्रोवाइड किए गए हैं। अब इसका जो रियर व्हील है वो आपको दिखा देते हैं, वो आप चेक कर लीजिए, अलॉय व्हील, आपका डिस्क ब्रेक, अपना जो एग्जॉस्ट है वो आप देख लीजिए डुअल फिनिश पे दिया गया है। पूरा इधर आपकी जो अपोजिट शाइनी ग्लॉसी फिनिश है, सिल्वर फिनिश है वो यूज़ करी गई, बाकी डस्ट की फिनिश हो गई। उम्मीद है कि व्यू आपको अच्छे से मिल गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, पूरा इधर आप व्यू लेते जाइए। इस बाइक को देख के तो लगता है बस खाली इसको देखते रहो और निहारते रहो, शानदार से एक हो सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ आपको देखने को मिलता है इधर। अब फ्रंट दिखा दिया, साइड दिखा दिया, अब इसका जो अपर पार्ट है वो आपको चेक कराएंगे और जिसका अपर प्रीव्यू है वो आपको दिखाएंगे। इधर कैमरा कर देते हैं ऊपर, और यहाँ पे आप देखते हैं RR 310 की जो पूरी ब्रांडिंग्स है वो आपको प्रोवाइड करी गई हैं। विलन के लिए सीट है वो बहुत ही ज़्यादा हाइटेड मिलती है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैपिंग है इधर, तो पीछे बैठने वाले को तो कुछ ज़्यादा ही बोल सकते हैं स्पोर्टी स्टैंड आएगा मेरे हिसाब से, जो आगे बैठेगा उससे भी ज़्यादा। बाकी आप व्यू ले सकते हैं, पूरा पियानो ब्लैक फिनिश इधर यूज़ करी गई है।
चलते हैं आगे और इसका जो ड्राइवर सीट है वो आप देख लीजिए। तो ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी कि बाइफरकेटेड सीट्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं, जो एक ज़रूरत भी होती है स्पोर्टी बाइक के लिए। इसके बाद अब पूरा ऊपर मूव कर लेते हैं और वापस से पीछे तक आ जाते हैं अपर पार्ट दिखाने के लिए। अपर पार्ट का पूरा अच्छे से व्यू आपको मिल रहा होगा। ये आपका हो गया फ्यूल टैंक, जो पूरी बाइक की तरह बहुत ही ज़्यादा वेल डिज़ाइंड है। पूरा ग्राफिक इंसर्ट है वो आप इधर देख सकते हो। RR310 की ब्रांडिंग है वो आप चेक कर लो। TVS का लोगो हो गया। फिट एंड फिनिश सुपर्ब है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको जो राइडिंग आप करोगे जो स्पोर्टी फील चाहिए होता है, जिसके लिए आप इतना पैसा पे करने वाले हो, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। जो लोग भी नई अपाचे ये RR310 खरीद चुके हैं, BS6 वेरिएंट खरीद चुके हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है राइडिंग एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर करिएगा। चलते हैं आगे की तरफ और इधर आप पूरा वीडियोज अपनी जो पूरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप देख सकते हो। इधर आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल रहा है शानदार। इसके बाद इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया गया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने ऑन कर दिया है। इसमें पूरा आपको कलर्ड डिस्प्ले अब मिलेगा, सब कुछ आपको कलर में देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं पूरी इसकी फंक्शनिंग। पहले मैं हैंडल्स चेक करा देता हूँ आपको। तो सेवरल आपके जो कंट्रोल्स हैं वो आपको इधर प्रोवाइड करे गए। ये आप देख सकते हो आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आप इधर से ऑपरेट कर पाओगे। आपका जो इंडिकेटर है, आपका जो हॉर्न है और इधर आपका जो इंजन के जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है वो आपको इधर देखने को मिल रहा है। इसकी थोड़ी बहुत देख लेते हैं फंक्शनिंग। जैसे मैंने सेट प्रेस किया है तो आपके राइड मोड है, ट्रिप डिटेल्स है, माई व्हीकल है, प्रेफरेंसेज है, तो ये सब चीज़ें आप कर पाओगे। वापस आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने सेट पे प्रेस किया है तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ओपन हो गए हैं। अब राइड मोड में जाना है तो ये अर्बन है, रेन है, स्पोर्ट लॉक्ड है, ट्रैक है, ये सब मोड्स दिए गए हैं। वापस आ जाते हैं, ट्रिप डिटेल्स देखनी है वापस अंदर चले जाओ, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी। वापस आ जाते हैं, माई व्हीकल देखना है तो इसमें सर्विस है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इधर एक्सेस कर पाओगे। होस्ट ऑफ फीचर्स इधर प्रोवाइड करे गए हैं। कभी अगर टाइम मिलेगा तो अलग से भी इसका पूरा एक डिटेल रिव्यू कर दूंगा, क्योंकि बहुत ही एक्सटेंसिव पूरा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। इधर दोस्तों मैंने आपको जितनी भी इसकी डिटेल थी सारी शेयर कर दी है। तो साइड था, जो फ्रंट था, जो इसका फीचर्स थे, स्पेक्स थे, वो सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं। आपको दोस्तों अगर ये बाइक अच्छी लगी है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अपने नीरज शोरूम आप चले जाइए, वहाँ पर आपको रेडली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये दोस्तों आप ठीक है ना, बाइक अच्छा था लेकिन मुझे जो कल वाला बाइक है वो ज़्यादा पसंद आया। लास्ट वीडियो हमने बनाई है, ठीक है। इस बाइक में जो चीज़ें मुझे दो अच्छी लगी हैं, एक इसका क्या कहते हैं मीटर सामने जो डिस्प्ले था, ठीक है, वो सारा एंड्रॉयड था, ठीक है, उसके ऑप्शन अच्छे थे। और इसके अलावा दूसरा इसका जो साइड प्रोफाइल है ना वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। और जो चीज़ मुझे मेरे ख्याल से जो एग्जॉस्ट लगा हुआ था ना वो मेरे ख्याल से फजूल है, ठीक है। उसका साउंड मेरा ख्याल नहीं कि वो साउंड उसका वो होगा जो लोग चाहते हैं कि जैसा साउंड हो, वो वैसे भी आपको एग्जॉस्ट चेंज करवाना पड़ता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मतलब ठीक था बाइक, इतना कल वाला ज़्यादा पसंद था बाइक की वजह से या किसी और वजह? नहीं, वैसे भी वो मतलब वो बाइक अच्छा था, लुक वाइज भी अच्छा था, वैसे परफॉर्मेंस भी उसकी, इसकी परफॉर्मेंस भी मेरा नहीं ख्याल कितनी अच्छी होगी। ओके, ठीक हो गया, मैं बात समझ गया। बाकी ओवरऑल मतलब कि आपको बाइक अच्छा लगे, कोई इसका कोई बैड थिंग आपको एग्जॉस्ट के अलावा कुछ और कोई भी इसको बोले? एग्जॉस्ट के अलावा बाकी ठीक है। ओके भाई जान, बाइक लवर यार, मुझे तो बेसिकली ना R1 की कॉपी लगी है। ठीक है समझ गया, काफ़ी मैं आपकी बात समझ, ठीक है। वो आईएंड के R1 आईएंड पे आ जाता है, ये बेसिकली उनमें आ जाता है, ये जो बिगिनर राइडर है ना उनके लिए ये आ जाती है ये मशीन। ठीक हो गया, ठीक है। और बाकी इनने अपनी तरफ से जो ब्रांडिंग वगैरह की हुई है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। स्टिकिंग वगैरह एक चीज़ नोट किया, स्टिकर का इस्तेमाल इन्होंने ज़्यादा किया हुआ, ये सामने इनका लोगो मोनोग्राम बनता था, यहाँ पे भी इन्होंने स्टिकर लगाया हुआ, मतलब ग्राफिक्स में इन्होंने वो ये अगर होता ना इसका मोनोग्राम स्टील का या किसी और चीज का, टैंक के ऊपर दो लैदर हैं, टैंक के ऊपर दो लैदर हैं जिनके ऊपर अभी उन्होंने स्टिकर लगाए हुए थे, अपना ठीक हो गया डिफ्यूजर लगाए हुए थे। ओके, कोई इसमें कोई मतलब की कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद आई, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ना पसंद आई हो? यार ABS फ्रंट पे दी हुई है, बैक पे ने सिंगल डिस्क ब्रेक दी है, मतलब कि मोर कार्ट पे प्रॉब्लम। इन शॉर्ट बात की जाए तो अगर फ्री में मिले तो पसंद है, और अगर ये तो हमारे वाली बात होगी, हमारे वाली बात होगी, ठीक हो गया। तो बाइक काफी अच्छा था, काफी ज्यादा पसंद आया था।
फ्रंट की और इसकी साइड की लुक जो है ना मुझे अच्छी लगी, साइड वाली लुक ज़्यादा अच्छी लगी, फ्रंट की कुछ लुक जो है ना रात के टाइम जब लाइट्स ऑन करो तो ऐसा लगता है कोई मतलब है ना एलियन स्पेसशिप कोई आपको ना घूम रहा होता है, ठीक है, तो मतलब एकदम से बंदा ना कोई बाबा जी या कोई हो तो वो डर ही जाएगा कि हैक ही है, ठीक है, तो मतलब की चीज़ काफ़ी मतलब कि ना एक यूनिक सी बनाई है, ठीक है, बैक से इतना कोई ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ एक यूनिक चीज़ मैंने इसमें देखी, जो ग्रैब हैंडल था ना वो एक बड़े कोई ना मजे की शेप का बना हुआ था, कभी मैंने ऐसा कोई ग्रैब हैंडल नहीं देखा, हमने बाहर से दिए ये शायद उतार देते हो कोई पता भी नहीं, नहीं ये चीज़ें उतर भी जाती है, ये उतर तो जाती है लेकिन इसमें अगर वो दे नहीं है ना ये चीज़ तो मुझे काफ़ी, हालांकि छोटी सी चीज़ है लेकिन पसंद आई है। और दूसरा इसका एक क्लस्टर कि जिस तरह आप फ़ोन यूज़ करते हो, लोगों का आजकल पता है एंड्रॉयड फ़ोन इतने तो लंबे लंबे आ गए इट की तरह आए हुए हैं, ठीक है, तो वैसे ही उन्होंने ना एक वही फ़ोन जैसा ही लुक दी है कि आपको ना मतलब कि ऐसा ही लगे कि आप कोई फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कि अपने जब इधर से सेटिंग वगैरह पे कर रहे हो, हाथ को लेके आगे जाने की मतलब एक फील वैसे जाता है कि कोई फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगे, काफ़ी पसंद है। बाकी इसमें अगर कोई और कलर होता ब्लू येलो तो वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा लुक कलर्स मेरे ख्याल से होंगे, या उन्होंने बताया नहीं है शायद ना हो, कोई पता नहीं। बाकी बाइक ओवरऑल काफ़ी पसंद है। और एक चीज़ मैंने काफ़ी नोट की, ऐसा ऐसा हेलोजन बल्ब ख़त्म हो गए हुए हैं सारी जगह, LED हर जगह, गाड़ियों में भी, बाइक्स में भी, गाड़ी और बाइक्स में भी, इवन के घरों की जो लाइट्स होती हैं वो LED में, वो कि काफ़ी ज़्यादा हम जो है ना इस चीज़ को अब अडॉप्ट कर गए हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ये इस प्यारी शक्ल के हाथ भी कर ली, बोलना चाहते हैं जी जी बोले यार, मैंने क्या बोलना, नहीं मैंने क्या बोलना यार, ऑडियंस को बोलना नहीं, ऑडियंस को बोल दो यार, ऑडियंस आप नहीं, आप हमारे जो हमें फीडबैक दिया करें कि हमारे जो रिव्यूज हैं ना वो कैसे हैं, ठीक है, और आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है ना वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर ज़रूर बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, अगर इस वीडियो में कोई गलती होगी वो भी बता दो, हम गलती सुधारने की कोशिश करेंगे, माफ़ी दे दो, माफ़ी भी मांग सकते हैं, फीडबैक इसीलिए होता है ना कि बंदा अपनी जो गलतियाँ हैं वो सुधारे, ठीक है, तो जो भी कोई बात है बिला झिझक खुल के किया करें, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, और खास तौर पर नुमान के लिए कुछ ज़्यादा ही इतने इतने बड़े कमेंट्स किया करो नुमान के लिए, ठीक है, पैराग्राफ ऐसे लिखा करो मेरे बारे में, खुश वैसे ना लिख दिया करें। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।